542 के 542 मेंबरों को चैलेंज करता हूं जी, आंदोलन में उग्रवादी, माओवादी, अल्फावादी, फलानावादी, टिकड़वादी, बीजेपी इस आंदोलन को विभाजन करने की कोशिश ना करे। क्यों किया तड़ीपार, हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है जी। उस तड़ीपार ने सुध बुद्धि ने परमात्मा, भाजपा की कोई औकात नहीं, मोदी की कोई औकात नहीं, जो देश की जनता से टकराव कर सके। गंगा जी की झूठी कसम, मोदी जी झूठी कसम उठाता है, ये हमें एक मन में पीड़ा होती है। मोदी जी कृपा करके आमने सामने डिबेट कर ले, चैलेंज करता हूँ डिबेट कर ले। 542 के 542 मेंबरों को चैलेंज करता हूं जी, एमआरपी और एमएसपी एक एक को बता दूंगा। कहते हैं ना भाई, कानून क्या होता है, कानूनों के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। और ये कहते हैं कि ये किसानों के हित में है, किसानों को समझ में नहीं आता, ये बातें कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जी, एक एक चीज को समझा देंगे, अच्छे दाम मिलेंगे। आप ये बताइए कि अच्छे दाम आपको क्यों लगता है? चलो हम मानते हैं, मान लिया, दो मिनट के बाद मान लिया, सपोज मान लो भाई अच्छे दाम मिलेंगे। इस देश के अंदर 60 साल से एमएसपी लागू है, एमएसपी यानी कि अपना समर्थन मूल्य, और इन सरकारों को भी पता है, कुछ स्टेटों में है और कुछ स्टेटों में समाप्त कर दी गई है। ये भी है जी, ये नहीं आज भाई सभी स्टेटों में एमएसपी है, कुछ स्टेटों में है और कुछ स्टेटों में नहीं है, बिहार में। हाँ जी, लेकिन किंतु बट परंतु मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सरकार को कुछ समझ है इस चीज की कि भाई क्या है। अब अगर ये चीज है एमएसपी, ये कह रहे हैं समझ नहीं है, मैं बार बार चैलेंज कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, ये किसान का बेटा हूँ, ठीक है, हर एक मेंबर को, और ये एक एक लाइन डालू हम, मैं समझा दूंगा, मैं समझाने की ताकत रखता हूँ। इस आंदोलन में उग्रवादी, माओवादी, अल्फावादी, फलानावादी, टिकड़वादी, और ये अदरवाइज स्टेट वाइज बांटने की कोशिश ना करें ये पार्टियां। एक ही पार्टी बांट रही है और कोई नहीं कर रहा, मतलब कोई भी है जी, एक्स वाई जेड, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा जी, इंडिपेंडेंट बीजेपी, मैं खुल के कह रहा हूँ, अभी ये बात आ रही है तो बीजेपी इस आंदोलन को विभाजन करने की कोशिश ना करे। शुद्ध बुद्धि दे वीके सिंह को, शुद्ध बुद्धि दे रविशंकर को, शुद्ध बुद्धि दे परमपिता परमात्मा हमारे पीयूष गोयल जी को, शुद्ध बुद्धि दे हमारा परमात्मा उनको जो हमारे कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर जी को, शुद्ध बुद्धि दे वही जो तड़ी पार इस देश की हाई कोर्ट ने तड़ी पार किया हुआ 2 साल। क्यों किया तड़ी पार, हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है जी। उस तड़ी पार ने सुध बुद्धि ने परमात्मा क्या भाई कुछ तो समझ इस देश की पीड़ा को। मैं ये नहीं कहता क्या कौन है कौन नहीं, आप समझदार है समझ लीजिए, सही बात है। मैं उस चाय बेचने वाले को, वो मेरा भाई है, बेटा इस देश का नागरिक है, अगर हमने इतने ऊंचे पद पे उसको बिठाया है तो हम वापिस चाय बेचने के लिए लगाने की ताकत भी रखते हैं। सही बिल्कुल हाँ जी। तो इनको आप लोग इतने दिन से आंदोलन कर रहे हो, तो पंजाब में भी हुआ, रेल रोको हुआ जी, जी। लेकिन ये जो है सरकार, किस क्या वजह है जो इनको आपकी आवाज मतलब आपकी बातें जो है समझ में नहीं आ रही है? और ये जो कह रहे हैं कि अच्छा उसको छोड़िए, ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि किसान को पूरी आजादी मिलेगी, कि वो अच्छे रेट फ्रीडम मिलेगा, तो ये क्यों आप लोगों को डर है कि वो अच्छे रेट और फ्रीडम नहीं मिलेगा अगर एमएसपी नहीं? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, ये राइट बात है। सरकार का कहना है कि किसान को फ्रीडम मिलेगा, सरकार कृपा करके हमें ये समझाए, नरेंद्र तोमर जी हमें ये बताएं और नरेंद्र मोदी जी हमें ये बताएं कि भाई इसमें फ्रीडम हमें किस राइट से मिला दे रही है सरकार, क्या राइट बना रही है कानूनी अधिकार पे, राइट क्या दे रही है कानूनी हमारे को कि भाई हमारे को फ्रीडम है, अगर मेरी जिन्स
इस रेट से कम खरीदी जाती है, तो मैं उसको एसडीएम के अलावा अगर मैं ऊपर कार्रवाई करना चाहूं, सुप्रीम कोर्ट है मेरा, हाई कोर्ट है मेरा, जुडिशियल कोर्ट है, वहां तक मैं कैसे पहुंचूंगा? क्या ये अधिकार इस फ्रीडम ने मेरे को मिला? और क्या क्या ये अधिकार इस सरकार ने मेरे को फ्रीडम दिया अपील करने का और चैलेंज करने का? और अगर दिया भी तो क्या किसान यही काम करता रहेगा क्या? ये बात है ना कि वो क्या वो कोर्ट के पंजे में थोड़ी पड़ते रहेगा कि हमें मूल्य नहीं दिया? आम नागरिक के पास, आम किसान के पास इतना समय नहीं होता जी कभी जो कोर्ट कचहरियों के भाई परेशान हो, वो अपने दिन रात अपनी मेहनत और खेती पे विश्वास करता है, अपने बच्चों को पालने की कोशिश करता है और इस देश का पेट भरने की कोशिश करता है। आज इस सरकार ने क्या किया है? हमारे बेटे को हमारे सामने खड़ा किया है। जवान इस देश का, इस किसान का बेटा है, कोई और नहीं। ये सरकार भूल ना जाए, ये किसान भूल ना जाए, किसान के बेटे ही शहादत देते हैं, किसी नेता का बेटा शहादत नहीं देता किसी सड़क पे। ये भी ये को हमारे को गुमराह करने की कोशिश ना करे सरकार। मुझे ये बताइए, क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अभी सही तरीके से न्याय दिला पा रही है? जी, इसमें भी कुछ देखो, सुप्रीम है सुप्रीम पे हम लेकिन किंतु वट परंतु नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ढांचागत व्यवस्था के तरीके से हम अपने सुप्रीम को ऐसा नहीं बोल सकते जैसे कि आप चाह रहे हैं। लेकिन कुछ बदलाव की आवश्यकता हमें महसूस होती है कि कृपा करके अगर जो भी सुप्रीम है भाई वो सही तरीके से अपने संविधान की कसम उठाए हुए, सही आवाज को पहचानते हुए न्याय पे विश्वास करे और वो न्याय ही दे, चाहे किसी भी प्रकार का न्याय हो, अन्याय ना करे। सुप्रीम से भी मुझे यही अपील है। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी से बुरा भी लग रहा है किसानों को, ये नहीं ऐसा है जी? ये एक षड्यंत्र है बीजेपी के द्वारा, ये षड्यंत्र है और मैं ये चैलेंज कहता हूँ, अगर देवी लाल चौधरी की अगर वंशज हो, अगर आपको जरा सी भी शर्म है, आज किसान के ऊपर इतना कुठाराघात कर रही है यह बीजेपी, इनको माओवादी, उलगावादी, अवसरवादी, उल्फावादी और ये पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं दे रही है, इनको समझ में आना चाहिए। परमात्मा शुद्ध बुद्धि दे, इनके दिमाग को संतुलित बनाए रखे और शर्म आनी चाहिए दुष्यंत चौटाला जी को, एक मिनट से पहले रिजाइन दे के अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना चाहिए यहाँ पे, जबकि वो नहीं हो रहा है। क्यों? एक कुर्सी का मोह, एक हमें भाई ऐसा 14-15 महकमे हरियाणा सरकार में जो मिले हुए हैं, अरे ये अपने बार बार मिलेंगे, अगर देश की जनता के साथ, अगर अपने भाइयों के साथ खड़े रहोगे तो ये बार बार मिलेंगे। लेकिन अगर सच्चे देश भगत हो, अगर सच्चे जन सेवक हो, तो मैं दुष्यंत चौटाला जी से कहना चाहता हूँ, कृपा करके तुरंत रिजाइन दिया जाए और तुरंत सरकार गिराई जाए हरियाणा के अंदर। अच्छा, बीजेपी सरकार ने कहा कि ये कानून जो है रद्द नहीं होगा, हटेगा नहीं, कुछ समाधान बीच का समाधान निकलेगा, तो बीच का जो समाधान निकलेगा उससे अब हम भी विश्वास करते हैं इस संविधान में कि भाई जन भाई आवाज के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, लेकिन इस चीज को सरकार को पता है, हर चीज की जानकारी है कि भाई किसानों की क्या डिमांड है, वो अनसमझ ना बने सरकार,
और उनने खुद अच्छे तरीके से बताया क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन है, उनको शुद्ध बुद्धि दे परमात्मा, जल्दी से जल्दी जो कानून आवाज उठाई जा रही है उस आवाज को ना दबाने की बजाय और उस अपना इम्प्लीमेंट किया जाए भाई, अपनी मतलब जो भी है विचार किया जाए पुनर्, जो उन्होंने कथनी करनी कोरोना का बहाना देकर जो जनता के ऊपर ये कानून थोपा है इसमें भाई ठीक है, कह रहे भाई समझाने का बुझाने का ये है वो है, ये नहीं होना चाहिए, पर ये तो पहले होना चाहिए था कानून पास, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बातचीत करके तो फ्रीडम होना चाहिए था। तो मैंने इसीलिए बोला है मैम, फ्रीडम, फ्रीडम क्या कहता है, तभी से खिलाफ थे भाई, फ्रीडम क्या कहता है, अगर ये कह रहे कमेटी बना लो, जैसे कि कल बोला इन्होंने एक पांच आदमी की कमेटी बना लो, पांच आदमी की कमेटी कांग्रेस के टाइम में बनाई थी, जन आंदोलन खड़ा हुआ था किसका, आपको अच्छे तरीके से पता है, पूरी देश की जनता की आवाज थी कि भाई इस देश के अंदर जन लोकपाल लागू किया जाए, और उस टाइम स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, और उस स्टैंडिंग कमेटी में क्या हुआ, पांच आदमियों की ही बनी थी, जनता के नुमाइंदे भी पांच ही थे, जो कि एक हमारा नुमाइंदा आज के दिन यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में भी है, उन भाई को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है जी। अच्छा एक बात बता दीजिए कि अगर ये कानून, अगर ये कानून हटाया नहीं जाता, रद्द नहीं किया जाता, तो क्या होगा, अगर भाजपा इसके हटाती नहीं है तो ऐसा भाजपा की कोई औकात नहीं, मोदी की कोई औकात नहीं, जो देश की जनता से टकराव कर सके, गंगा जी की झूठी कसम, मोदी जी झूठी कसम उठाता है, ये हमें एक मन में पीड़ा होती है। अच्छा। मेरे देश का प्रधान ये कहता है भाई लोग जब 15 अगस्त भाई लाल किले की प्राचीर से ये कहता है कि भाई हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, तो आउट ऑफ कंट्री क्या कहती है, अरे जब उस देश का मिनिस्टर ही, प्रधान ही ये कह रहा है मेरे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, तो एट फिंगर से लेके और फोर फिंगर तक आज के दिन कब्जा क्यों है, ये असमंजस की स्थिति क्यों है, जब मेरा देश का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है मेरे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, क्या मोदी जी को पता नहीं है, तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कैसा डिसीजन लिया जाता है और कैसे बोला जाता है और क्या वक्तव्य जाएगा, उसका क्या असर पड़ेगा, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलते, सब चीजें झूठ, मुझे किसी चीज का कोई परवाह नहीं है जी, जेल क्या है, जेल अगर हम गलत कर रहे हैं तो जेल सजा के हकदार है, अगर जनता के माध्यम की जनता की आवाज उठाएंगे कोई जेल भूषण है, भूषण है हमारा गले का हार, आभूषण गले का हार है, ये क्या कह रहे थे भाई, पांच स्टेडियम दे दो, क्यों दे दो भाई, क्यों दे दो, जेल बनाने के लिए है ना, क्यों मांगी थी भाई, ये हमारे जवानों ने 3 तारीख को अगली बैठक है, क्या लग रहा है भाई, जो भी हमारे हमारे दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत आती है, दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं है वो बेचारी भाई जो 9 स्टेडियम की डिमांड करेगी किसी भी सरकार से, तो क्यों सरकार से डिमांड कर रही है, क्योंकि गृह मंत्रालय से इस चीज का प्रेशर जाता है दिल्ली पुलिस पे कि भाई अगर ये आंदोलन इसी तरीके से है सामाजिक कर्तव्य, अगर इसके अंदर कोई शरारत करते हैं भाई हिंसक हो जाता है, तो इसके लिए व्यवस्थित करने के लिए घेरे में डालने के लिए भाई हमारे को 9 ग्राउंड दे दिए जाए, तो क्यों दिए जाए भाई, जब हम शांति प्रिय 2.5 महीने 3 महीने से एक डिमांड कर रहे हैं, जब हमने एक कानून मांगा ही नहीं तो कानून हमारे को क्यों दिया गया, मोदी जी कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे इस देश के युवाओं को, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, मोदी जी चैलेंज करता हूँ, एक बता दो कितना रोजगार लगाया आपने, वो तो कह रहे पकौड़े बेचो, अब ये कह रहे मोदी जी ये कह रहे हैं भाई
मैंने ये किया, मैंने वो किया, नोटबंदी एक कागज के टुकड़े का कलर बदल के, कागज के टुकड़े का कलर बदल के मेरे देश के इतने बुजुर्ग साथी लाइन में लगा दिए, उससे क्या आर्थिक स्थिति हमारे देश की मजबूत हुई? क्या भ्रष्टाचार खत्म कर दिया मोदी जी ने? मोदी जी ये कह रहे थे भाई मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, क्या आज के दिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन गया? एक जियो भाई 400। अच्छा एक बात बताइए कि लगा मोदी जी कह रहे हैं कि इससे सबसे ज्यादा किसानों का फायदा है और किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी कृपा करके आमने सामने डिबेट कर ले, चैलेंज करता हूँ डिबेट कर ले। भाई मोदी जी RSS के जनसंघ के प्रचारक थे मोदी जी, सुन लो जी।